तो फंडामेंटल क्लासेस में फिर से एक बार तुम सबका स्वागत है बच्चों। देखो, हमने पार्ट वन में बहुत कुछ बीमारी और हेल्थ के बारे में जान चुके हैं। अगर तुम या कोई भी पार्ट वन को नहीं देखे हो पहले, तो इसका पार्ट वन देखो, फिर इसके ऊपर आओ, बहुत ज्यादा समझ में आएगी तुमको। तो चलो, अब ये पार्ट टू है, हाउ डू वी फील इल का। और पार्ट टू में हम जानने वाले हैं अभी कि हमको जब बीमारी हो ही गई तो वो बीमारी का कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ डिजीज जो है मेनली हम दो ढंग से उसको बांटते हैं। एक तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन इसको देख लेते हैं, जो दो प्रकार का होता है, एक है अक्यूट डिजीज और दूसरा है क्रॉनिक डिजीज। तो अक्यूट डिजीज क्या है, यह बहुत ही छोटे समय के लिए रहता है, जैसे कफ एंड कोल्ड हुआ एंड फ्लू लाइक फीवर। यह हमारे जनरल हेल्थ को, यानी कि जो अभी हमारा हेल्थ है और बाद में आने वाला हेल्थ है, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। जैसे वो जितना दिन तक हमारे साथ रहेगा, मैक्सिमम 2 वीक तक, 10 दिन 2 वीक तक रहेगा, तो उतना ही दिन तक हमको अफेक्ट करेगा, यानी कि जनरल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, या कुछ केस में 2 4 दिन और जब हम कमजोर हो जाते हैं उससे। तो इससे ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, जो परेशानी हमको देता है क्रॉनिक डिजीज देता है। यह बहुत लंबे समय तक चलता है और कभी कभी तो पूरे लाइफ तक चलता रहता है, और यह हमको बहुत प्रभावित करता है जनरल हेल्थ को, जैसे एलिफेंटियासिस और ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो कभी कभी तुम जिस भी प्रोफेशन में हो, चाहे स्टूडेंट्स लाइफ में हो या पेशेवर हो या फिर नौकरी करते हो, तो ये चीजें पूरी तरह से परेशानी में डाल देता है तुमको। अब आगे जो इस टॉपिक का मेन फोकस डिस्कशन का पॉइंट है, वो है इंफेक्शियस डिजीज। ये कभी कभी कम्युनिकेट करता है, इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज कह देते हैं, और कभी कभी पट जाता है तो इसको कंटेजियस डिजीज भी कहते हैं। अब ये हम जान चुके हैं कि जो पैथोजेंस है हमको देते हैं, पैथोजेंस को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक वायरस वाला, दूसरा अदर्स, जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स आते थे। तो इनसे जो डिफरेंट डिफरेंट ढंग का हमारे पास डिजीज आते हैं, उसका हम नाम जान लेते हैं। जो वायरस से मिलते हैं उसको हम वायरल डिजीज कहते हैं। कॉमन कफ एंड कोल्ड हो गए, डेंगू फीवर हो गए, एड्स हो गए, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, मीजल्स जिसको रूबेला कहते हैं, जेपेनिज इंसेफ्लाइटिस, इन्फ्लुएंजा एंड आजकल कोविड-19, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, बहुत सुने होगे तुम। इसके बाद बैक्टीरियल डिजीज जो हमें बैक्टीरिया देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही डेंजरस है, टिटनस, डिप्थीरिया, पेप्टिक अल्सर, कॉलरा, न्यूमोनिया, एंथ्रेक्स, टाइफाइड, सिफिलिस, एक्ने एंड फूड पॉइजनिंग। अब प्रोटोजोआ वाले डिजीज, मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस जो कि साउथ अफ्रीका में होता है, एंड डिसेंट्री। इसके आगे कौन सा डिजीज, फंजाई जो हमारे मेनली स्किन को इन्फेक्ट करते हैं, वो है कैंडिडियासिस, फंगल आई इन्फेक्शन, हार्प्स एंड रिंग वर्म। वर्म्स जो है वो एक बहुत ही डेंजरस बीमारी देते हैं, जिसको हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। बाकी जो नॉर्मल, जब हम बच्चे होते थे तो स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पोटली के सहारे एक बड़ा बड़ा कीड़ा निकलता था, वो हमारे पेट को भी दर्द करता था बहुत ज्यादा, तो वो वर्म से होने वाली बीमारियां है। अब ये इंफेक्शियस डिजीज हो गए, जो हमको इंफेक्शन नहीं देते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कंटेजियस नहीं है, वो डिजीज तो यहाँ ज्यादा पढ़ना नहीं है, फिर भी हम उसको जान लेते हैं, उसको नॉन इंफेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कंटेजियस डिजीज कहते हैं। और इसके बारे में हमने 8 क्लास में जाना है कि वैसा डिजीज जो हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हो जाएगा, उसमें मेनली
मालन्यूट्रिशन आता है, जिसको कभी कभी डिफिशियंसी डिजीज भी कहते हैं, विजन लॉसेस, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ग्वाइटर, अनिमिया, ये सब है जो तुम 8 क्लास में पूरी तरह से पढ़ चुके हो। दूसरा इन्वायरमेंटल, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हम बिगाड़ लिए, जैसा ऊपर हम देखे हैं हेल्थ का मेंटल इन्वायरमेंट कैसा होना है और डिजीज का मेंटल इन्वायरमेंट कैसा होना है। अगर वैसा इन्वायरमेंट हमारे पास कंटिन्यूअस बहुत दिन तक रह गया तो हमको कैंसर, डायबिटिक्स, हाई और लो ब्लड प्रेशर, थायराइड्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स मिलने वाली है। तो ये सब तो हो गए टाइप्स ऑफ डिजीज जिसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। हाँ तो बच्चों अब देखो तुम्हारे सामने एक पिक्चर आ गया जिसको तुम देखो और समझने की कोशिश करो। अब हम तुमको ये बता रहे हैं जो ऊपर जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हमने चर्चा किया है और जो पैथोजेंस हमको देते हैं वो पैथोजेंस मोस्टली सिंगल सेल के होते हैं, नहीं तो मल्टी सेल में भी बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हमारा आंख भी नहीं देख सकता हमको। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो पैथोजेंस तो जहां रहते हैं वहीं रहते हैं, चलते तो है नहीं, तो हमारे शरीर में आके हमको इन्फेक्शन कैसे देते हैं वो जानना आवश्यक है। तो वो किसी बायो मीडियम से हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर जाते हैं, तो वह बायो मीडियम को हम कैसे समझे, जिसको मींस ऑफ स्प्रे भी कहते हैं, कैसे हमारे तक तो स्प्रे होकर आ गए। तो हमारे जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है में एयर है, एयर में तो वायरस होते ही है, कहां से आएंगे भाई, तो है जो जहां वायरस हो तो है ही, और जो इन्फेक्ट हो गया पर्सन, समझो लंग्स का इन्फेक्शन है तो कहां से किया, तो लंग्स का ये प्रॉपर्टी है कि खांसने के साथ उसका कीटाणु बाहर निकलता है, पैथोजेंस बाहर निकलते हैं और उस रास्ते से कोई गुजरेगा तो इनहेल कर लेगा, उसको इन्फेक्शन ले लेगा खुद का। तो जो एयर बॉर्न डिजीज इसको कहते हैं वो कॉमन कोल्ड हुआ, कोविड 19 आजकल नहीं देखते हो, कोरोना हो गया, न्यूमोनिया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, डिफ्थेरिया, इन्फ्लुएंजा एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये है एयर बॉर्न डिजीज जो एयर के भाया हमारे अंदर हमको इन्फेक्शन देते हैं। अब दूसरा हो गया वाटर बॉर्न डिजीज, हमने देखा ऊपर ये हाउस फ्लाई और मस्कीटो वाटर के ऊपर बैठते हैं और वाटर को इन्फेक्ट करते हैं, और जब हम इन्फेक्ट वाटर कंज्यूम करते हैं तो हमको वाटर बॉर्न डिजीज के रूप में ये कॉलरा, हेपेटाइटिस ए, पेप्टिक अल्सर, डिसेंट्री, थायराइड टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग के रूप में हमको बीमारियां मिलती हैं। अब इसके आगे जो है सेक्सुअल एक्ट, तो सेक्सुअल एक्ट्स के होने वाले बीमारियां दो हैं मेनली, एड्स एंड सिफिलिस। अब ये सेक्सुअल एक्ट्स क्या है आई होप तुम जानते होगे, इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं हमारा एक बिना मतलब का ये है कि जिसको ये दो बीमारियां हो गई उसको हम सोशली बायकॉट कर देते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारा ये सोचना होता है कि भाई जिसको ऐसा बीमारी है उसके साथ हम कैजुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट भी करेंगे तो हमको ये बीमारी आ जाएगी, जो कि सरासरी गलत है। कैजुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब हाँ, हैंड शेकिंग करेंगे, हग करेंगे, किस भी कर लिए तो कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट लोग जो काम करते हैं तो इससे तो एसटीडी बीमारी होती नहीं है। तो जो हम सोशल बायकॉट कर रहे हैं उनको, ये तो सरासरी उनके साथ ना इंसाफी है, लेकिन हाँ हमको तो प्रिकॉशन दिखाना पड़ेगा। अगर कोई उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो जी हाँ हो जाएगा, अगर उनका ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये दोनों लेडीज या जेंट्स जिनको ये है, अगर बच्चा की सोच रहे हैं पैदा करेंगे तो उस बच्चे को वो बीमारी हो जाएगी। तो अगर वो लेडीज अगर है किसी दूसरे बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो ये तो हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा कैजुअल बॉडी कॉन्टेक्ट जो हम ऊपर समझे हैं उससे होने वाली बीमारियां, पोलियो, हर्प्स, आई इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस एंड रिंगवर्म्स होते हैं। इसके बाद जो है वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हमको सबसे पहले वेक्टर्स होता क्या है तो हम एक जानते हैं पैथोजेंस जो कि हमको डिजीज देते हैं और खुद चल के नहीं आते हैं,
उनको जो दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म है जो उनको उठाकर हमारे बॉडी तक लाते हैं और हमको इन्फेक्शन पहुंचाते हैं उस पैथोजन से, तो लाने वाला जो हो गए वेक्टर हो गए, जैसा हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो, उनसे जो बीमारियां होंगी हमको डेंगू फीवर, चिकुनगुनिया, जेपनीज इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, कालाजर, स्लीपिंग सिकनेस, ये मेनली साउथ अफ्रीकन डिजीज है, एलिफेंटियासिस एंड रैबीज। अब इसके आगे हमारा दो ऐसे बीमारी एंथ्राक्स, जो कि अगर हम ड्रेनेज के अंदर गए तो ये एंथ्राक्स का स्पोर्स होता है जो हमको इन्फेक्ट करता है। दूसरा तुम्हारा टिटनस, जो तुम्हारी माँ बोलती होगी भाई जंग लगा हुआ चाकू या किसी चीज से तुम मत खेलो, अगर गलती से भी अंदर चले गए तो तुमको इन्फेक्शन दे देगा, किसका, टिटनस वाला। तो ये होगा मींस ऑफ स्प्रे जो हमको डिजीज देते हैं। अब आगे हम चलते हैं, बात कर लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज। अब देखो बच्चों, हम अब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं और डिजीज हो तो क्या क्या चीजें दिखाएंगे। तो पहले हम ये समझते हैं साइंस एंड सिम्टम्स दो वर्ड है, इसका मतलब क्या है। तो अगर हम एक लाइन में लिख दिए साइंस आर ऑब्जेक्टिव व्हेयर सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव, मतलब क्या है सब्जेक्टिव। तुमने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे होंगे ना, तो उसमें बोलते हैं सब्जेक्ट, तो एक गुस्सा आता है संजय दत्त को, तो सब्जेक्ट मतलब वो है जिसको बीमारी हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब वो है जो दूसरा लोग है बीमार को देख रहा है और वो कुछ उसके बारे में अपने कॉमन सेंस से गेस कर रहा है, यानी कि महसूस कर रहा है कि उसको क्या क्या बीमारियां है। अब बीमारियां नहीं, बीमारियां का लक्षण। तो साइन का मतलब हुआ जो दूसरे लोग महसूस करते हैं सब्जेक्ट को देखकर, यानी कि बीमार लोगों को देखकर कि यह कैसा कैसा चीज दिखा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, खांसी होगी तुमको तो उसको सुनाई पड़ेगा, ये साइन हो गया। तुम्हारे फंगाई जो है स्किन पे कुछ भी इंफेक्शन देंगे तो दूसरे को दिखाई पड़ेगा। अब कोई तुमको हो गया फीवर, कोई आकर देखेगा अरे भाई तुम्हारा टेम्परेचर तो बढ़ गया, और थर्मामीटर डाल के माप भी लेंगे, ये हो गया साइन। ऐसा बहुत कुछ है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स सब्जेक्ट को महसूस होता है, दूसरे को कुछ नहीं मालूम पड़ता है। और यार पेट में दर्द हो रहा है, बाप तो वो कितना दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम ठीक से मुस्कान दे दो तो दर्द तो तुम्हीं को मालूम पड़ा है, सामने बात समझ, अरे ये तो अच्छा ही है, सर में दर्द कितना हो रहा है यार, ये तो तुमको मालूम पड़ेगा, सर में दर्द है स्माइल दे दो तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या जानेगा। ऑब्जेक्ट मतलब जो तुमको आदमी है, तुमको जान सकता है, पहचान सकता है रोग को देखकर, उसको नहीं मालूम पड़ेगा, ये सिम्टम्स हो गए। अब तुमको ओ ओ अब आ गया बुबू जी, अब आ गया तब है, अरे ऐसा तो नहीं है, केवल एक ऐसा टेंडेंसी होता है, तो ये हो गया सिम्टम। अब जब दो वर्ड को समझ लिए तो ये आखिर कैसा डिपेंड करता है, कैसे हमारा अलग अलग साइंस एंड सिम्टम देखता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो अब देखो, जो इन्फेक्शन होगा वो किसी टिश्यू को टारगेट करेगा, नहीं तो ऑर्गेन को टारगेट करेगा, नहीं तो कोई बॉडी पार्ट्स को टारगेट करेगा। और जब ऐसा होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी उसके पीछे पड़ेगा, उसको मारने के लिए, रोकने के लिए, हटाने के लिए। तो इम्यून सिस्टम जो काम करेगा वो भी अपने साइन एंड सिम्टम दिखाएगा। जो बॉडी ऑर्गेन को ये इन्फेक्शन देगा वो भी अपना अलग अलग ढंग का साइन एंड सिम्टम दिखाएगा। टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा वो भी अपना साइन एंड सिम्टम दिखाएगा। तो अब देखो, एक चीज समझ लीजिए चाहिए कि जो इन्फेक्शन हमारा बॉडी के अंदर, जो हमारा बॉडी तो बहुत बड़ा है ना, 150 ट्रिलियन सेलों का कॉलोनी है हमारा बॉडी, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है एकदम वन से नहीं तो मल्टी से नहीं, बहुत ही छोटे जो हमारा आंख नहीं देख सकता उसको, तो इतना बड़ा बॉडी में कहां खा जाएंगे। तो या हम ये समझे जो एंट्री पॉइंट है यहां जहां से हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं उसी के आसपास को जो ऑर्गेन है या टिश्यू है या और जो भी है बॉडी पार्ट्स उसको टारगेट करते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो देखो कुछ कुछ केस में तो ऐसा ही है, लेकिन बहुत केस में ऐसा नहीं है।
तो जिस केस में वैसा है उस केस को पहले देख लेते हैं। तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया जब नोज के थ्रू अंदर जाता है तो सीधा लंग्स को टारगेट करता है, यानी कि नोज के नोस्ट्रिल और लंग्स, तब ना हमको खांसी होता है, ब्लड निकलता है, ये सब होता रहता है। तो हाँ, इस केस के लिए तो है फ्लू लाइक फीवर, वायरल फीवर, तुम्हारा नोज के अंदर जाता है और इमीडिएट विंड पाइप को इन्फेक्ट करता है, हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हाँ, इसमें तो ऐसा ही है एंट्री पॉइंट। लेकिन जेपेनिज इंसेफलाइटिस वो मच्छर के काटने से होता है, बॉडी में कहीं मच्छर काटेगा तो ब्लड में ही जाएगा ना उसका इंफेक्शन, लेकिन नहीं, वो हमारे सर को बीमारी देता है, ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं। अब देखो, सेक्सुअल एक्ट से होने वाली बीमारियों का एंट्री पॉइंट जेनिटल पार्ट है ना, लेकिन वहां नहीं होता है ये सीधा हमारे लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करेगा और हमारा इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके देगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एंट्री पॉइंट है इंफेक्शियस बैक्टीरिया का, उसी के आसपास का ऑर्गन या टिश्यू या बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करेगा, कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट्स को या ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन अब हमको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन सा पैथोजन्स किस ऑर्गेन को इन्फेक्ट करेगा, तब वो ऑर्गेन एक अपने आप में अलग ढंग का सिम्टम दिखाएगा या साइन दिखाएगा। अब रहो बात कि देखो बेटो बच्चों, ये ना वायरस और बैक्टीरिया प्रोटोजोआ बहुत ही तेजी से फैलने वाला प्राणी है, तो अगर ऐसा हमारे बॉडी के अंदर हुआ, बहुत तेजी से फैल गया, ये तो फेटल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही फास्ट एक्शन दिखाती है और वो भी अपना साइंस एंड सिम्टम दिखलाती है। तो सबसे पहला वो क्या करती है भाई, इसके ब्रीडिंग को हमको तुरंत रोकना है, बॉडी का टेम्परेचर तुरंत बढ़ाना है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पैथोजन्स का ब्रीडिंग तुरंत रोके, वहीं से वहीं रुक जाएगा। अब किसी टिश्यू को इन्फेक्शन किया तो आसपास के सेल जो है वहां आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं कि भाई उस इन्फेक्शन को पहले किल करना है, तो उस केस में स्वेलिंग भी आ जाती है हमको। तो जब स्वेलिंग आ गई तो जो इम्यून सिस्टम ने हमको दिया, तो ये सब चीजें हैं जो कि हमारा डिसाइड करता है कि डिफरेंट ऑर्गेन पार्ट्स का इन्फेक्शन हमको अलग अलग ढंग का साइंस एंड सिम्टम दिखलाएगा। अब चलो, एक जब हम बीमार हो गए, साइन एंड सिम्टम दिख रहा है, जो फिजिशियन को भी दिख रहा है, हम बता भी रहे, सब कुछ एक्सप्लेन भी कर रहे, फिर भी फिजिशियन महोदय कहते कि नहीं, हमको और कुछ जानना है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना है डिजीज के लिए, तो वो टेस्ट लिखते हैं। तो बचवा कुछ कुछ केस में एक दो टेस्ट चलो ठीक है, 100 साल पहले तो टेस्ट था नहीं, फिर भी डॉक्टर थे, हम ठीक होते थे। लेकिन ये जो कॉमर्शियल है, यानी कि कल युग है, पैसा के लिए कला होने वाला युग है और कुछ भी करने वाला युग है, तो फिजिशियन कॉमर्शियल है। और वो जब टेस्ट लिखते हैं ना, जितना याद आता है यहां से लिखे के पूरा पेज में कितना लिख सकते हैं, कभी कभी तो ऐसे लिखेंगे, और इसका मतलब वो जो पैथोलॉजी लैब वाला है समझेगा कि यार ये टेस्ट को करना नहीं, सिर्फ रिजल्ट ओके करके दे देना है। कभी ऐसे भी लिख देंगे कि भाई चलो कम से कम पेशेंट का ब्लड तो निकाल ले, फेंकना तो वाश बेसिन में ही है। तो ऐसा तो होता है बच्चों, ये तुम सुने भी होगे बहुत जगह। तो देखो, यहाँ तुमको दो चीज डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हमने पहले बोला है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू को, जिसमें हेल्थ आता है उसको लेकर। तो जो हम बातें कर रहे हैं एक लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बातें कर रहे हैं, जो तुम्हारा 2022 के बाद जो सिलेबस एजुकेशन मिलने वाली, इसी ढंग की मिलेगी तुमको। तो हम आज से इसको एडॉप्ट कर लिया, थोड़ा सा एडवांस, अच्छा बात है ना। तो अब देखो, तो तुमको एग्जाम में क्या बात लिखना है, एक टेक्स्ट यहाँ है वो लिखना है, और एनसीईआरटी बुक, एक ही बुक को 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, उसका टेक्स्ट लिखना है। और ये जो हम बातें कुछ बोल रहे हैं ना, वो लाइफ के लिए ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये चलो ठीक है साइन। अब इतना कुछ जान लेने के बाद कि हमको बीमारी भी आ गई, साइन एंड सिम्टम्स भी दिखने लगा,
और फिजिशियन ने पिन पॉइंट भी कर लिया कि कौन सा बीमारी है, तो ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या हो। तो जो ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात हम आगे करने वाले हैं, जिसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कहेंगे, वो देखो। तो फिर से वही बात, डिफरेंशिएशंस एंड कैटेगराइजेशन जो हमने ऊपर किया है, वो किस लिए? ट्रीटमेंट को डिसाइड करने के लिए, और प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं, डिटेल डिस्कशंस होगी यहाँ नहीं, वो आप पार्ट 3 को देखिएगा। तो यहाँ ट्रीटमेंट होगी, ये ट्रीटमेंट का दो ढंग का प्रोसीजर अपनाया गया है, एलोपैथ सिस्टम जिसको इंग्लिश वाला सिस्टम कहते हैं, और हमको जो पढ़ना है यहाँ, एक प्रोसेस है टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिजीज विच आर मेनली ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ये वर्ड इन्फ्लेमेशन हम डिस्कस करेंगे जब इस पे आएंगे। दूसरा है टू किल द इन्फेक्शियस कॉजिंग पैथोजेंस। अब भाई डिजीज का पहला, भाई इन्फ्लेमेशंस को तो समझिए, इन्फ्लेमेशंस वैसा साइंस एंड सिम्टम्स है जो हमारा इम्यून सिस्टम दिखाता है, और इम्यून सिस्टम ट्रिगर ऑफ होता है वो किस लिए होता है? टू फाइट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू मेक अस क्योर। देखो बच्चों, ये ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है ना, हमको कंफर्ट देती है, क्योर तो इसके बस में है ही नहीं, कभी कर ही नहीं सकती। तो क्योर तो हमारा इम्यून सिस्टम करता है। अगर हम इम्यून सिस्टम जो हमारा सिम्टम्स दिखा रही है उसको रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एलोपैथ सिस्टम है वो इसको बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फॉलो करता है। कारण, कलयुग, कॉमर्स का युग, कॉमर्स के कारण कला। तो अब ये जो हम बातें कर रहे हैं ना तुमसे, ऊपर हम बात किए थे स्टार्टिंग में, ये तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाइफ टाइम पॉइंट ऑफ के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ इसी ढंग की पढ़ाई हम 2022 के बाद करने वाले हैं, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम एडॉप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तुमको जो हम जो बातें कर रहे हैं वो तुमको एक फाइन लाइन ड्रॉ करना होगा कि कौन सी बातें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। अब हम तुमको बता दें, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो एग्जाम में लिखना है, और तुम एनसीईआरटी का बुक को एक बार दो बार कई बार पढ़ लो, उसमें से सब बातें तुमको समझ में आ जाएगी। और जो हम कुछ बातें ऐसा अलग हट के बोल रहे हैं वो तुम्हारे लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तुमको सचेत कर रहे हैं। अब ये कोरिलेटेड है, ये मेरी बात नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है कि इन्फ्लेमेशन हमारा इम्यून सिस्टम दिखाता है। अब इलाज हम करने जा रहे हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके। मतलब क्या? यहां तो दोनों जिम्मेवार है, पेशेंट एज वेल एज डॉक्टर। पेशेंट को तो बहुत जल्दीबाजी है, उसको डिजीज हो गया, तुरंत डॉक्टर के यहां जाना है और तुरंत रिलीफ एक्सपेक्ट करना है डॉक्टर से। अब डॉक्टर को क्या करना है? उसको भी तब कस्टमर चाहिए तो उसको संतुष्ट कर दो भाई, रिड्यूस कर दो उसका सिम्टम जो उसका इम्यून सिस्टम ने दिया है। तो इम्यून सिस्टम तो उसका वीक हो गया, तो हमारा कस्टमर लाइफ लॉन्ग हो गया, चलो दोनों संतुष्ट। मतलब ये जो पहला मेथड है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा एडॉप्ट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, लेकिन यहाँ पे ये किसी भी ढंग से सही नहीं है, ये तो लिख सकते हो क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी बोल रहा है। तो चलो, एक लॉजिकल लगने वाला दूसरा वाला है टू किल द इंफेक्शियस कॉजिंग पैथोजेंस। चलो ठीक है, इतना आसान है किल करना, चलो कुछ कुछ केस में तो है, लेकिन क्या ये हमको पूरी तरह से सेफ रखता है? ये तो हम नहीं कर सकते, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तुम इसको समझ लेना। देखो, एक कैटेगरी वायरस है, दूसरा कैटेगरी बैक्टीरिया है। पहले दूसरा कैटेगरी पे बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया अन्य है जिसके अंदर बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ फंगस है। तो इनका अगर हमको किल करना है तो पहला तो इनका लाइफ प्रोसेस को समझना पड़ेगा, जिस होस्ट को इन्फेक्ट किए हैं
उसका लाइफ प्रोसेस को समझना पड़ेगा, दोनों का लाइफ प्रोसेस में कौन सा अनकॉमन है इन्फेक्शियस जो पैथोजन से उसका, उसको टारगेट करना पड़ेगा ताकि वो किल हो सके और हमको नुकसान भी नहीं दे सके। वो एंटी बैक्टीरिया या एंटी पैरासाइट जो मलेरिया के लिए है, चलो ठीक है। तो ऐसा ही कुछ काम करता है पेनिसिलिन, जो कि अब हम स्टडी किए और पाए कि बैक्टीरिया मैक्सिमम सेल वॉल बनाते हैं। तुमने अपने क्लास के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़ा होगा, लेकिन उसमें पढ़ा होगा कि प्लांट जो है सेल वॉल बनाते हैं, नहीं, बहुत सारा बैक्टीरिया भी सेल वॉल बनाते हैं और पैथोजेंस वाला बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं जिसको हम टारगेट करते हैं और सेल वॉल को बढ़ने ही नहीं देते हैं। एनीवे हमारा ह्यूमन सिस्टम तो है, उसका सेल वॉल तो बनता ही नहीं। चलो ठीक है, हम तो बच गए, बैक्टीरिया को मार दिए, लेकिन तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि क्लास 8 में भी तुम पढ़े हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड एंड फो, मतलब कि हमारे माउथ से एनस तक बिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारा दोस्त है और हमारा दिन रात सहायता कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो भी तो सेल वॉल बनाता होगा जब हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं, जो कि अगर फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो एनीवे हमारा सेल वॉल नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त का तो है सेल वॉल, वो तो किल हो गया। तो इसीलिए तुम देखे होगे कि जब तुमको कुछ इस ढंग का बायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दिया और तुम खा लिए तो उसके बाद तुम्हारा ठीक है, बुखार उतर गए, जो बीमारी है उससे रिलीफ मिल गई, लेकिन उतरने के बाद, बीमारी से रिलीफ मिलने के बाद तुमको भूख नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? कि जो भूख लगने वाला, पाचन करने वाला बैक्टीरिया अभी तो मारा गया, यानी इम्यून सिस्टम उसको बाद में जो है बैलेंस कर लेती है, उस बैक्टीरिया को फिर से जो है लाती है इसके अंदर। तो वो तो है। अब दूसरा हमने बात किया कि भैया वायरस कैसा, एंटीवायरल ड्रग्स बहुत कम है, अब मुश्किल भी है। कारण क्या है कि उनका लाइफ प्रोसेस बड़ा पिकुलियर का है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हाफ और डेड है, हाफ लाइफ एंड हाफ डेड है। और इनका होस्ट सेल के साथ जब मिलते हैं, यानी कि इन्फेक्शन देते हैं, तो होस्ट सेल का सेल मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हैं और सेल फंक्शन को अडॉप्ट करके ये फुली लाइव हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनके लाइफ प्रोसेस को टारगेट करेंगे तो ये पूरी हमारे लाइफ प्रोसेस को अडॉप्ट किए हुए हैं, तो हम अपने सेल को भी तो मारेंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं। दूसरा, सेल में एक बड़ा बेवकूफी ढंग का प्रॉपर्टी है जो म्यूटेट करता है, कभी किसी रंग रूप में, कभी किसी आकार में, कभी किसी सूरत में। अरे वाह भाई वाह, ये बड़ा अजब गजब का डेंजरस है। इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो हमारा इम्यून सिस्टम है, और मोस्ट ऑफ द केस में यही हमारा इम्यून सिस्टम ही ठीक करता है। वायरस के लिए नहीं, अन्य सारी बीमारियों का इलाज हमारा इम्यून सिस्टम ही करता है। तो अब जो ठीक है, ये तो हमने मेथड एडॉप्ट किया, दो ढंग का एडॉप्ट मेथड हमारे यहाँ चलता वर्ल्ड वाइड, एलोपैथ वाले वर्ल्ड वाइड करते हैं। तो बचो, अभी हम यहाँ पे अपने क्लास को एंड करते हैं, चैप्टर एंड नहीं हो रहा है, ये चैप्टर जाएगा पार्ट 3 तक जाएगा। अगर तुम हमारे साथ यहाँ तक हो तो इसको गुरु दक्षिणा समझ के लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो और शेयर भी कर दो। तो अब तक के लिए हम तुमको बाय कहते हैं, तुम्हारा दिन शुभ हो, तुम मेहनत से पढ़ो और तुम सफल हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ। ओके।